भवानी स्वामीनाथन एंड वेलकम टू आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक साउथ इंडियन केरला रेसिपी जिसे ओलन कहते हैं और स्पेशली ये ओनम वाले संध्या के टाइम पे बनाया जाता है। पर उसके पहले जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो आज हम बनाने जाने वाले हैं ओलन, जो बहुत ही इजी है, बहुत क्विक बनेगा और सबसे इम्पोर्टेंटली बहुत हेल्दी है और उसमें बहुत मिनिमम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। इसमें ये देखिए, इसे जो बरबट्टी का दाना होता है इसे मैंने 10 मिनट के लिए पानी में सोक कर लिया था, उसके बाद उसे प्रेशर कुक कर लिया है इस तरह से। पम्पकिन के इस तरह से मैंने पीसेस काट लिए हैं और इसको वाटर में डाल के एक पैन में, ओपन पैन में इसे पकाना है ये जब तक पक। और इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। एक ग्रीन चिली भी डालेंगे, ग्रीन चिली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल दीजिए, मैंने एक ही डाला है। अब इसे ओपन पैन में पकने देते हैं। ये देखिए पम्पकिन उबलने लगा है, ये जैसे ही पकने लगेगा, थोड़ा पक चुका है, थोड़ा और 2 मिनट वेट कर लेते हैं। पम्पकिन पूरी तरह से कुक हो चुका है, अब इसमें ये जो हम लोगों ने बरबट्टी को बॉईल करके रखा था इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से उबलने देते हैं। देखिए अच्छी तरह से बॉईल होने लगा, इसे पम्पकिन और बरबट्टी दोनों को अच्छी तरह से मिक्स होने देते हैं। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एज पर योर टेस्ट और कड़ी पत्ता डालते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए और मिक्स होने के लिए रख देते हैं। बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी है, इसमें ना अनियन डाला है हमने, ना टमाटोज, बिना किसी एक्स्ट्रा वेजिटेबल के, ओनली पम्पकिन एंड बरबट्टी के दाने से। देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है, इसको आप चपाती या राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत क्विक है और बहुत हेल्दी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। लेट्स मेक आवर लाइव्स हेल्दियर एंड हैप्पियर।